कोविड के कई मरीजों में रिकवर होने के बाद भी लंबे समय तक लक्षण दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति को लॉन्ग कोविड नाम दिया गया है। तो क्या इसके रोकथाम के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या वैक्सीन लगवाने से ये ठीक हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए ओनली माय हेल्थ ने एक एक्सपर्ट से बात की। ऐसा है कि जब कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके जाने के बाद कोविड अपने कुछ इफेक्ट बॉडी के ऊपर छोड़ जाते हैं, जिसे हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं। और ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये किसी भी बीमारी की तरह माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली ज्यादातर ये जो है माइल्ड होता है, जिसमें कि मरीजों को काफी वीकनेस आ सकती है, छोटा मोटा बुखार रह सकता है, जोर में दर्द, बेचैनी होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, काम में मन ना लगना, नींद ना आना, बॉडी एक्स होना, भूख ना लगना, इधर उधर दर्द होना, चेस्ट पेन होना, ये ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये देखा जाता है कि आमतौर पे ये 2 से 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये सिम्टम धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। कुछ लोगों में, जिन लोगों में स्पेशली सीरियस प्रॉब्लम हुई होती है, उनमें ये कई सारे जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनकी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, न्यूरोलॉजिकल इशूज होते हैं जिसमें स्ट्रोक हो सकते हैं। ये सीरियस इशूज होते हैं, पर ये फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ज्यादातर जब ये माइल्ड प्रॉब्लम होती है तो जैसे कि बताया ये 2 से 4 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है, पर अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो जाहिर सा उसमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट चलता है, चाहे वो हॉस्पिटल में रह के हो या घर पे रह के हो। और जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट होता है बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, वो अपने टाइम के साथ ठीक हो जाता है और उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है, जिसके लिए कोई टाइम फ्रेम बताना मुश्किल होता है। ये डिपेंड करता है वो कितना सीवियर कॉम्प्लिकेशन हुआ है। पोस्ट कोविड इफेक्ट जो तुम्हें है मेजोरिटी टाइम 90% माइल्ड होता है, इसमें अपना एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखें, नियमित एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें डॉक्टर की सलाह के अनुसार, कुछ विटामिन हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स वो ले सकते हैं, हेल्दी डाइट लें, कोई भी दवाई चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो नेचुरोपैथिक हो बिना उस एक्सपर्ट की सलाह के बिना ना लें। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वैक्सीन का लॉन्ग कोविड पे कोई असर नहीं है। वैक्सीनेशन का काम होता है कि कोरोना को इन्फेक्शन को रोकना, तो जाहिर सी बात है अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो लॉन्ग कोविड भी नहीं होगा, तो इतना ही रोल है। पर एक बार किसी को लॉन्ग कोविड हो चुका है तो उसमें वैक्सीन का या वैक्सीन लेने से उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा ऐसा नहीं संभव है। परंतु जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको जैसे कि कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों में 3 महीने के बाद, जो कि सरकारी दिशा निर्देशों के साथ 3 महीने के बाद अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोविड को इस दुनिया से हटाने के लिए, भगाने के लिए। तो अगर आप भी लॉन्ग कोविड के शिकार हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, कोविड वैक्सीन लगवाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें।